नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। G20 की जो बैठक चल रही है वो बहुत अहम पड़ाव पर है और ऐसा लगता है जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है और पहली बार इतने बड़े महाद्वीप को शामिल करके एक बड़ा संदेश विश्व कूटनीति में दिया गया है, यह इसकी एक अहम सफलता है। और साथ ही साथ दिल्ली डिक्लेरेशन की तरफ जिस तरह से कदम बढ़ा है उससे साफ है कि दुनिया के अधिकांश देश जिसमें ताकतवर देश शामिल हैं वे सब चाह रहे हैं कि शांति की कोई राह निकले और राह निकले आर्थिक साझेदारी की। दोस्तों, G20 की बैठक और इसके इर्द गिर्द चर्चा और खास तौर से चर्चा कि किस तरह से इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आगे लिखा हुआ भारत BHARAT, क्या यह इंडिया से अलग है? क्योंकि जिस तरह से इस G20 को भारत और इंडिया के बरक्स खड़ा किया गया, यानी दोनों के बीच टकराव रखा गया और साथ ही साथ कहा गया कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन संसद में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको राष्ट्रपति के डिनर में आमंत्रित नहीं किया जाता है। क्या यह एक परिवार की बात है? क्या यह दुनिया को एक परिवार मानने वाली पार्टी है या उनके नेता हैं जो अपने घर में ही तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते? यह किस तरह का वैमनस्य है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वह क्वाड की बैठक भी जनवरी में यहां रखना चाहते हैं, उससे साफ लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स को मोदी जी अपने लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए और 2024 के चुनाव के समय खुद को एक बड़ा विश्व नेता के तौर पर पेश करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी, बहुत जरूरी है कि घर में घरेलू लोगों से भी प्रेम सौहार्द आप रखें, आपकी पार्टी रखे, तभी आपका ये सारा संदेश दुनिया में जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि देश के, दिल्ली के मेहनतकश जनता, वे बस्तियां क्यों गायब हैं, क्यों खाली कराई गई हैं या क्यों उन पर हरा और सफेद पर्दा आपने रखा है। G20 की एक और अहम सफलता है कि इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसका गठन हुआ। अमेरिका और ब्राजील इसके फाउंडर मेंबर, और इसके साथ साथ दुनिया में जो भीषण संकट है ईंधन का संकट, उसका हल निकालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, एक बड़ा गठबंधन इस तरह का बना जिसमें बात हुई है कि यह जो ईंधन निकालने की प्रक्रिया है इसमें प्लांट्स और एनिमल वेस्ट दोनों को शामिल किया जाएगा। शायद विश्व जिस संकट से गुजर रहा है उसमें यह कदम G20 की एक बड़ी सफलता में निश्चित तौर पर गिना जाएगा। हालांकि इसे लेकर अलग अलग संदेह और अलग अलग सवाल हैं, और बड़ा सवाल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, बड़ा सवाल है एग्रीकल्चर को लेकर यानी कृषि, क्योंकि खाद्यान्न संकट भी अभूतपूर्व है। एक और अहम डेवलपमेंट, क्योंकि जब से G20 की बात शुरू हुई थी तब से यह सवाल आ रहा था कि क्या स्टैंड होगा यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था बाली में पिछले साल, वहां पर भी, उस पर भी यूक्रेन रूस युद्ध की बहुत गहरी छाप पड़ी थी। और ऐसा लगता है कि इस बार भी जो टसल चली है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर, दिल्ली घोषणा को लेकर लंबी बहस, अनगिनत बैठकें चली हैं, उसमें यूक्रेन एक बहुत अहम मुद्दा रहा है और इसे लेकर रूस और चीन का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है, वह अमेरिका और नेटो के पक्ष में नहीं है। G20 की यह बैठक इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जिस तरह से G7
और नेटो लगातार दबाव बना रहा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया के देश उसके द्वारा लगाए गए सैंक्शन के साथ खड़े हो जाएं। फिलहाल दिखाई दे रहा है कि G20 में ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का दबाव और अमेरिका के साथ नेटो देशों का दबाव कितना सिर चढ़कर बोल रहा है, यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए चिंता का सबब होगा। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत यह काम एक रूटीन प्रक्रिया के तहत कर रहा है। आपको याद दिला दूं, अभी मोदी जी लौटे आसियान की बैठक से, उससे पहले ब्रिक्स की बहुत अहम बैठक हुई अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। क्या आपको याद है कि इन दोनों अहम बैठकों में वो देश जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे या वे जो उसके होस्ट थे, क्या सिर्फ उन्हें इसके लीडर के तौर पर पेश किया गया? नहीं, ना ब्रिक्स, ना आसियान, ना कोई और सम्मेलन। सारे सम्मेलन साझेदारी की सम्मेलन होते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन साथ आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तमाम देश साथ आते हैं और विश्व के सामने जो बड़े संकट हैं उनको हल करने के लिए मिलकर ध्यान दीजिए, यहाँ एक देश नहीं, दो देश नहीं, तीन देश नहीं, ये सारे के सारे G20 के देश हैं, आमंत्रित देश हैं, वे सब मिलकर काम करते हैं कि शांति की राह कैसे निकाली जाए, आर्थिक प्रगति की राह कैसे निकाली जाए, ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है उससे कैसे पार पाया जाए। लिहाजा हमें भी भारत में इसे एक साझा प्रयास के तौर पर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मीडिया और जो पूरा प्रचार तंत्र है, जो गली मोहल्ले में प्रचार तंत्र चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि यह बैठक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए है, मोदी जी के द्वारा है और सिर्फ मोदी जी के बारे में है। दोस्तों, G20 की यह बैठक बहुत अहम है। अहम इस लिहाज से है क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टकराव का दौर चल रहा है, सैंक्शंस का दौर चल रहा है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसमें शांति की राह निकलनी, आपस में बैठकर विमर्श की राह निकलनी, यूं कहिए लोकतंत्र की राह निकलनी बहुत जरूरी है। और हम भारतवासी यह मान के चल रहे हैं कि जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी टीम कर रही है, उसे अक्षरशः यानी लेटर में और वर्ड में, स्पिरिट में, अपने देश में भी उसे फॉलो करेगी और लोकतंत्र में जो असहमति की आवाज़ है, डिसेंट की आवाज़ है, उसे भी जगह देगी। मोदी जी, आप सबसे हमें बस यही कहना है। शुक्रिया।